नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल आर्ट्स मास्टर पे। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश 2018 के क्वेश्चन पेपर की। ओके, तो 2018 में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे उस सब पे हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। इंग्लिश के लिए काफ़ी कमेंट आ रहे थे इसलिए मैंने इंग्लिश की शुरुआत कर दिया है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न है। तो पहले प्रश्न की बात करें तो लिखा हुआ है द डॉक्टर विल एग्जामिन हिम टुमारो, और यहाँ पर पैसिव वॉइस में हमको बनाना है। तो चलिए, तो दोस्तों अगर आपको थोड़ा सा भी स्ट्रक्चर का पता होगा, ठीक है, कि कैसे चेंज होता है, तो यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ बिल, ठीक है। तो हम जानते हैं जब पैसिव वॉइस में हम चेंज करते हैं तो बिल के साथ क्या आता है, बी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो अगर हमको बनाने नहीं आता है फिर भी हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन को छाँट कर इसका आंसर निकाल सकते हैं अगर आपको स्ट्रक्चर थोड़ा सा भी पता होगा तो, ठीक है। तो हमको खोजना है कि किस ऑप्शन में बी का प्रयोग किया गया है बिल के साथ। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो पहला में आपका है ही एग्जामिन बाय द डॉक्टर टुमारो, यहाँ बिल का प्रयोग नहीं किया गया है। सेकेंड में है ही विल बी एग्जामिन बाय द डॉक्टर टुमारो, ठीक है, यहाँ देख रहे हैं विल का प्रयोग बी के साथ हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका बिल्कुल सही है। बाकी ऑप्शन में क्या है, हैज़ का प्रयोग है नहीं होगा, मे बी का प्रयोग है नहीं होगा, ठीक है, यानी कि आपका करेक्ट आंसर क्या है, ही विल बी एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर टुमारो, ठीक है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता इसमें नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड होगा, ठीक है। दूसरे प्रश्न की बात करें, सेकेंड में है ही हैज़ गिवन अ प्राइज बाय द टीचर, ठीक है, और यहाँ भी आपका एक्टिव चेंज करना है, पहले में क्या था पैसिव था, इसमें आपका एक्टिव चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या है, वाज का प्रयोग किया गया है, तो वाज किस में आता है, सिंपल पास्ट को जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो उसमें वाज का प्रयोग किया जाता है, यानी कि आपका एक्टिव में क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट फॉर्म में आएगा वो, ठीक है। तो देखते हैं सिंपल पास्ट फॉर्म कहाँ पर प्रयोग किया गया है, द टीचर गेव हिम अ प्राइज, देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, गेव हिम लिखा हुआ है, ठीक है। और दूसरा आपका लिखा हुआ है क्या है, द टीचर मे हैव गिवन हिम ए प्राइज, ठीक है, तो यहाँ मे का प्रयोग कर दिया, इसके ऑप्शन थर्ड सेकेंड गलत हो जाएगा। बाकी क्या है, द टीचर विल हैव यहाँ प्रयोग कर दिया है तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि हमको पास्ट में जाना है, और द टीचर हैज़ प्रयोग किया प्रेजेंट का है, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। द टीचर गेव हिम अ प्राइज, ये आपका एक्टिव है और इसका पैसिव हो जाएगा, ही वॉज गिवन अ प्राइज बाय द टीचर, ठीक है। तो देख रहे हैं थोड़ा सा ऑप्शन छाटेगा तो भी आपका आंसर निकल जाएगा, बनाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, अगर बनाने आ रहा है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम दोस्तों छाँट छाँट के बनाते रहेंगे, ठीक है, देखते हैं कितना हम छाँट के बना सकते हैं। थर्ड आपका है ही प्रोमिस्ड डैट ही डैश हार्ड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया गया है, प्रोमिस्ड का प्रयोग किया गया, यानी कि पास्ट का प्रयोग किया गया, ठीक है। तो यानी कि जाहिर सी बात है अगर पास्ट फॉर्म में है तो आपका आगे भी क्या होगा, पास्ट फॉर्म का ही कोई वर्ब आएगा, ठीक है। तो देख रहे हैं इसमें पास्ट कहाँ पे है, यहाँ वी टू है और यहाँ डिड वर्क है, यह होगा नहीं, ठीक है। फिर आपका हैज वर्क होगा नहीं, प्रेजेंट में है, कैन हो नहीं सकता, यानी कि वुड वर्क होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ही प्रोमिस डैट ही वुड वर्क हार्ड, ठीक है, यह आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, सॉरी क्वेश्चन नंबर थर्ड का पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, वुड वर्क होगा इसमें, क्लियर है। चौथे की बात करें, इट डैश ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ठीक है, इट डैश ड्यूरिंग द रेनी सीजन, यहाँ पे सुटेबल फॉर्म ऑफ चेंज करना हमको, तो क्या हो जाएगा, तो इट रेन ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बिल्कुल नहीं, रेन्स नहीं होगा, हैज हो जाएगा, इट हैज़ रेन्ड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पाँचवा की बात करें, डैश ही लिव लॉन्ग, ठीक है, यहाँ देख रहे हैं एक्सक्लेमेशन चिन्ह का प्रयोग किया गया है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या किया गया, आप किसी को क्या देते हैं, दुआ देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो उसमें आप किसका प्रयोग करते हैं, तो इसमें हम मे का प्रयोग करते हैं, तो मे ही लिव लॉन्ग, ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू, ऐसे होता है ना, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा, हम मे का प्रयोग करते हैं किसमें, आशीर्वाद देने के समय में, या किसी को ब्लेस करते हैं तो उसमें हम मे का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठे की बात करें, वी डैश रीड शेक्सपियर, ठीक है, अब यहाँ पे शेक्सपियर को पढ़ने की बात हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे नीड की जरूरत नहीं है, ठीक है, कुड नॉट होगा नहीं, ठीक है, मस्ट नॉट नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, वी मस्ट रीड शेक्सपियर, हमें शेक्सपियर को जरूर पढ़ना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है इसमें, ठीक है। सातवें प्राइस प्रश्न की बात करें तो सातवां है द प्राइस ऑफ मैंगोज डैश गोन अप, ठीक है, द प्राइस ऑफ मैंगोज गोन अप, अब यहाँ देख रहे हैं भी थ्री का प्रयोग किया गया है,
ठीक है। तो हमको कौन सा होगा, भी थ्री किस में लगते हैं हम, हैज और हैव के साथ हम क्या करते हैं, भी थ्री का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वाज होगा नहीं, ठीक है, यहाँ पे हैव्स होगा नहीं, वियर होगा नहीं, तो बचा कौन आपका, हैज, ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी यहाँ पे लिखा हुआ क्या, द प्राइस ऑफ मैंगोज, ठीक है, तो हमको प्राइस के साथ लगाना है, तो क्या हो जाएगा आपका, प्राइस के साथ आपका सिंगुलर फॉर्म आएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। फिर आपका आठवां है, द समन्स डैश इशूड, ठीक है, आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे इशूड का प्रयोग किया गया, यानी कि पास्ट टेंस है यहाँ पर, ठीक है, तो हमको पास्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करना होगा। तो इज होगा नहीं, वेयर होगा नहीं, क्योंकि ये समन्स क्या आपका सिंगुलर है, दिख रहा है पूरा लेकिन है क्या ये सिंगुलर है, ठीक है। और हैव्स होगा नहीं, ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, वाज होगा इसका आंसर, द समन वाज इशूज, ठीक है, समन्स आपका सिंगुलर है, आप पूरा मत समझिएगा इसको, क्या हो जाएगा इसका, वाज इसका आंसर होगा, हो सकता है किताब में इसका आंसर इज दिया हो, तो हो सकता है मेरे ख्याल से गलत है वो। तो आठवां का क्या हो जाएगा दोस्तों, वाज होगा। नौ की बात करें तो वी सॉ हिम डैश, ठीक है, क्या है, वी सॉ हिम डैश, अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, स का प्रयोग किया, यानी कि वी टू का प्रयोग किया गया है, तो हम क्या कर सकते हैं, पास्ट में है तो मे का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंट में हो जाएगा मे, ठीक है, विल हैव का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पास्ट के साथ हमेशा पास्ट का ही प्रयोग होगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, देख रहे हैं लिव है, ये भी आपका क्या है, पास्ट में ही है, सॉरी क्या है, प्रेजेंट में, ठीक है, वी क्या है, वी सॉ हिम, तो यहाँ पे सॉ है, वी टू है, तो हम आगे हम वी टू का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही सेंटेंस में डबल वी टू का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी सॉ हिम लिव, ठीक है, मैंने उसे जाते हुए देखा, क्या है, हम लोगों ने उसे जाते हुए देखा, तो वी सॉ हिम लिव, ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। दस की बात करें, क्या है दस में, समबडी कम हेयर आई डू नॉट नो हिम, चूज द सुटेबल ऑप्शन कॉम्बिनेशन, यानी कि आपको कंबाइंड सेंटेंस बनाना है इसको, ठीक है, इसका प्रयोग करके क्या है, कंबाइंड सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, तो क्या लिखा हुआ है, आई विल नॉट नो हिम, सॉरी आई विल नॉट नो हु कम हियर, देखिए यहाँ विल का प्रयोग कर दिया, अब सेंटेंस में कहीं भी विल का प्रयोग नहीं है, ठीक है, यानी कि फ्यूचर टेंस की बात नहीं हो रहा है, किसकी बात हो रहा है, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, हम फ्यूचर में हम जा नहीं सकते हैं, तो यह पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। सेकेंड की बात करें, आई डू नॉट नो हु कम हेयर, ये हो सकता है, फिलहाल इसको रखेंगे फिलहाल। तीसरा की बात करें, आई कैन नॉट नो हु केम हेयर, यहाँ पास्ट का प्रयोग कर दिया तो ये भी नहीं होगा, आई हैड नॉट कर दिया ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका बिल्कुल सही है, आई डू नॉट नो हु केम हेयर, ये कंबाइंड सेंटेंस है और आपका प्रेजेंट टेंस में भी है, सिंपल प्रेजेंट में है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। 11 की बात करें, अ मैन किल्ड अ गर्ल द पुलिस अरेस्टेड हिम, ठीक है, तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, पास्ट टेंस में सारा सेंटेंस है, पूरा सेंटेंस क्या आपका पास्ट में है, तो हमको पास्ट वाला ही ऑप्शन ही खोजना होगा, यहाँ भी कॉम्बिनेशन करना है, कंबाइंड सेंटेंस बनाना है। तो चलिए देखते हैं, पहला ऑप्शन क्या कहता है, द पुलिस विल अरेस्ट, यहाँ विल का प्रयोग कर दिया, यानी कि पहला ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि आपको क्या है, हमको पास्ट वाला खोजना है। फिर आपका है द पुलिस कैन कर दिया, तो ये भी आपका गलत हो गया, ठीक है। द पुलिस हैड अरेस्टेड, तो यहाँ पे हैड अरेस्टेड हो सकता है, लेकिन यहाँ आगे क्या है, देखिए हु किल ए गर्ल, यहाँ प्रेजेंट का प्रयोग कर दिया, तो ऑप्शन नंबर थर्ड भी गलत हो गया, तो बचा कौन, ऑप्शन नंबर फोर आपका करेक्ट है। चलिए पढ़ के देख लेते हैं क्या ऑप्शन में है, द पुलिस अरेस्टेड अ मैन हु किल ए गर्ल, देख रहे हैं दोनों क्या है आपका सिंपल पास्ट का प्रयोग किया है, और ऊपर में भी क्या सिंपल पास्ट का प्रयोग किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर बिल्कुल सही है, द पुलिस अरेस्टेड अ मैन हु किल अ गर्ल, ठीक है। तो इस तरह से हम छाँट छाँट के भी बना सकते हैं, और आपको आता है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 12 की बात कर लेते हैं, 12 में क्या है, नेहरू लव चिंदेल, चूज द सुटेबल नेगेटिव सेंटेंस, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, नेगेटिव सेंटेंस हमको बनाना है, तो हो सकता है कुछ लोग सीधे डिड नोट का प्रयोग कर देगा, तो वहाँ पर क्योंकि नेगेटिव में तक से क्या होता है, नोट का प्रयोग होता है, तो लेकिन यहाँ पर क्या है दोस्तों, नेगेटिव बनाना है, लेकिन यहाँ पर इसका जो आपका जो अर्थ है, मीनिंग है, वो नहीं बदलना चाहिए। नेहरू लव्ड चिल्ड्रन, यानी कि नेहरू जी क्या करते, बच्चों को प्यार करते थे, तो यही सेंटेंस हमको बनाना है, लेकिन नेगेटिव में बनाना है, भाव उसका नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, नेहरू डिड नॉट हेट चिल्ड्रेन, ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये नेगेटिव में है, और उसका अर्थ भी क्या है कि नेहरू जी बच्चों को क्या करते थे, नफरत नहीं करते, यानी कि वो प्यार करते हैं, ठीक है। ये सेंटेंस निकल के आ रहा है, भाव भी नहीं बदला और आपका नेगेटिव भी बन गया, तो ऑप्शन नंबर
पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा नेहरू डिड नॉट हेट चिल्ड्रेन। ठीक है, 13 की बात करें, हर एम्प्लॉयर ऑलवेज फाइंड फॉल्ट डैश हर। अब यहाँ पे क्या आपको प्रीपोजिशन चुनना है, तो यहाँ पर है कि उसके जो एम्प्लॉय है अक्सर क्या करते हैं उसमें गलतियाँ ढूंढ लेते हैं, तो उसमें की बात कर रहा है, यानी कि हमको इसमें क्या हो जाएगा इनका प्रयोग होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई हैव लिव्ड, सॉरी क्या है, सॉरी 14 का बात कर रहे हैं, 13 का है ना, हाँ ऑप्शन नंबर 2 होगा, 13 में है हर एम्प्लॉयर ऑलवेज फाइंड सॉरी फाइंड फॉल्ट इन हर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। 14 की बात करें, आई हैव लिव्ड इन दिस टाउन डैश चाइल्डहुड। ठीक है, अब यहाँ पे प्रीपोजिशन है तो सबको पता है कि जब चाइल्डहुड का प्रयोग होता है तो हम क्या करते हैं सिंस का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई हैव लिव्ड इन दिस टाउन सिंस चाइल्डहुड। ओके, जहाँ पे आपका पीरियड ऑफ टाइम फिक्स ना हो या पॉइंट ऑफ टाइम फिक्स नहीं दिया गया उसमें हम क्या करेंगे सिंस का प्रयोग करते हैं, और जहाँ पे आपका पीरियड ऑफ टाइम फिक्स होता है जैसे 2 घंटे 3 घंटे 2 दिनों से 4 दिनों से तो उसमें हम क्या करते हैं 4 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आई हैव लिव्ड इन दिस टाउन सिंस चाइल्डहुड। ठीक है दोस्तों, चलिए 15वां प्रश्न की बात करें, चूज द करेक्ट सेंटेंस। हमको करेक्ट सेंटेंस चुनना है, तो क्या है सी लिव्स टू एन एयरपोर्ट, बिल्कुल नहीं, 2 के साथ यहाँ पे लिप्स 2 नहीं होता है कभी भी। ठीक है, फिर आपका है लिप्स ऑफ नहीं होगा, ठीक है लिप्स ऑन नहीं होगा, लिप्स इन होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। सी लिप्स इन एन एयरपोर्ट, सॉरी एन एयरपोर्ट नहीं है अपार्टमेंट है, क्या है वह एक अपार्टमेंट में रहती है, तो रहती है अंदर अपार्टमेंट के अंदर रहता है, इसलिए क्या करेंगे हम इन का प्रयोग करेंगे सी लिप्स इन एन अपार्टमेंट। ठीक है, 16 की बात करें, चूज द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ भी चुनना है, तो हाउ मैनी फैमिली आर सॉरी हाउ मैनी पीपल आर इन योर फैमिली, पहला ही सेंटेंस करेक्ट है आपका, बाकी देख लेते हैं। हाउ मैनी फैमिली डू यू हैव, नहीं, फिर है हाउ बिग योर फैमिली, नहीं, हाउ बिग हैव योर फैमिली, नहीं, पहला ऑप्शन सही है। हाउ मैनी पीपल आर इन योर फैमिली, आपके परिवार में कितने लोग रहते हैं, बिल्कुल सही बात है, पहला सेंटेंस आपका सही है। फिर 17 की बात करें, चूज द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ भी है, तो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू सिंगिंग, नहीं, ठीक है, फिर है आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ सिंगर, नहीं, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ सिंगर, हाँ ये होगा करेक्ट सही है कि मैं एक सिंगर बनना चाहता था हमेशा से, तो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ सिंगर, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। फिर है 18 की बात करें, द संत पॉल कैथेड्रल इन लंदन वॉज डैश आफ्टर द ग्रेट फायर ऑफ 1666। ठीक है, यानी कि क्या किया गया था, सेंट पॉल कैथेड्रल लंदन बना था कब, तो बना था कब ये वाली बात है, तो बनने वाली बात होगा, तो यहाँ पर देख रहे हैं वाज का प्रयोग किया गया, यानी कि आपको पास्ट सेंटेंस में जाना है, बिल्ड प्रेजेंट में है, बिल्डर नहीं होगा, बिल्डिंग नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बिल्ट आपका पास्ट टेंस है, ठीक है, पास्ट फॉर्म है, पास्ट विल है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर विल का प्रयोग होगा, बिल्ड का प्रयोग होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 19 की बात करें, आई एम वेरी इंटरेस्टेड, आई थिंक द अपार्टमेंट इज डैश ब्यूटीफुल, तो आई एम वेरी इंटरेस्टेड, आई थिंक द अपार्टमेंट इज डैश ब्यूटीफुल, तो देख रहे हैं यहाँ पे इज का प्रयोग किया गया है, यानी कि प्रेजेंट वाला बात होगा। ठीक है, तो स्ट्रीम नहीं होगा, विल तो होगा नहीं, विल नहीं होगा, एक्सट्रीमली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई एम वेरी इंटरेस्टेड, आई थिंक द अपार्टमेंट इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, जी हाँ बिल्कुल सेंटेंस सही है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। 20 की बात करें, द ऑनर सीम्स नाइस बट सी टॉक्स डैश स्लो, द ऑनर सीम्स नाइस बट सी टॉक्स स्लो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टेरिबली नहीं होगा, टेरिबल नहीं होगा, ठीक है, ऑफुल ऑफुल मिस होगा, तो ऑफुली होगा, ऑप्शन नंबर, ठीक है, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि ऑनर क्या दिखती है अच्छा, लेकिन जो वह क्या है भय के कारण क्या होती है, धीरे धीरे बोलती है, और फुली मतलब क्या होता है भय से, ठीक है, तो भय की वजह से वो क्या करती है स्लो बोलती है, तो फुली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 21 की बात करें, ही डैश मील व्हेन द फोन रैंग, ठीक है, ही डैश मील व्हेन द फोन रैंग, यानी कि क्या है वह क्या कर रही थी खा रही थी जब उसकी फ़ोन की घंटी बजी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वाज टेकिंग, ठीक है, ही वाज टेकिंग मील वेन द फोन रैंग, क्योंकि यहाँ पे पास्ट टेंस है। ठीक है, तो आपका डीड वाला होगा नहीं,
ठीक है, डिड हैविंग नहीं हो सकता है, हैविंग होगा नहीं और हैव होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा इसका राइट आंसर कि ही वॉज टेकिंग मील व्हेन द फोन रैंग। ठीक है, 22 की बात करें, लास्ट ईयर माय इंग्लिश कोर्स डैश 30 लेसन्स। ठीक है, अब क्या है, लास्ट ईयर की बात यानी कि पास्ट टेंस की बात हो रहा है, ठीक है, तो इंक्लूड नहीं होगा, विल इंक्लूड नहीं हो सकता है, इंक्लूडिंग तो बिल्कुल नहीं होगा, इंक्लूडेड हो जाएगा, द लास्ट ईयर माई इंग्लिश कोर्स इंक्लूडेड 30 लेसन, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही है। तो इसकी बात करें, आई डैश द डोर क्विकली व्हेन आई हियर अ नॉइज आउटसाइड। ठीक है, आई डैश द डोर क्विकली व्हेन आई हियर अ नॉइज आउटसाइड, मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया जब मैंने क्या सुना, बाहर में कोई आवाज़ सुनी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, आई शट द डोर क्विकली व्हेन आई हियर अ नॉइज आउटसाइड। ठीक है, बिल्कुल सुटेबल है, ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। 24 की बात करें, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, स्पेलिंग हमको बनाना है, तो इसमें क्या है, क्लाउड्स नहीं, नहीं जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, क्लाउड का स्पेलिंग। ठीक है, 25 की बात करें, चूज द करेक्ट स्पेलिंग यहाँ भी है, तो हेरिटेज का है, तो हेरिटेज का स्पेलिंग क्या होता है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, हेरिटेज। ठीक है, बिल्कुल सही है स्पेलिंग यहाँ पर। फिर है, हाउ ओल्ड इज मैरी, तो मैरी इज 3 ईयर्स ओल्ड, ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर है। ओके, 27 की बात करें, आई ऑलवेज डैश द कार ट्वाइस अ वीक। ठीक है, तो आई ऑलवेज डैश द कार ट्वाइस अ वीक, मैं क्या कहता, हमेशा कार को सप्ताह में 2 बार धोता हूँ। ठीक है, तो आई है तो वॉशेज हो नहीं सकता है, वॉश होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड, आई ऑलवेज वॉश द कार ट्वाइस अ वीक, ऑप्शन नंबर सेकेंड बिल्कुल सही है। 28 की बात करें, माई फ्रेंड एंड आई डैश आवर होमवर्क एवरी डे। ठीक है, तो माई फ्रेंड एंड आई है तो डज होगा नहीं, डू होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका, सॉरी पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा, माई फ्रेंड एंड आई डू आवर होमवर्क एवरी डे। ओके, 29 की बात करें, पेरिस इज द डैश सिटी इन यूरोप। ठीक है, पेरिस इज द डैश सिटी इन यूरोप, करेक्ट ऑप्शन चुनना है, तो यहाँ पर देख रहे हैं डिग्री का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे द का प्रयोग है, तो द किस में लगता है, सुपरलेटिव में लगता है, यानी कि आपका क्लीनेस्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पेरिस इज द क्लीनेस्ट सिटी इन यूरोप, क्योंकि द है तो सुपरलेटिव डिग्री होगा। ठीक है, 30 की बात करें, डैश यू स्टॉप स्मोकिंग यू विल बी सीरियसली इल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो बट इफ नहीं होगा, अनलेस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा, अनलेस यू स्टॉप स्मोकिंग यू विल बी सीरियसली इल होगा। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात को। आगे है, तो आगे आपका किताब की बात आ गई, ग्रामर खत्म हो चुका है, अब किताब की बात कर लेते हैं, बुक की बात है, तो क्या है, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ डैश ह्यूमिलिटी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेयरफुल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी। ओके, 32 की बात करें, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडियंस। ठीक है, तो यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन रुइन फॉर द इंडियंस, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है, नानू काका रोट अ चेक फॉर डैश रुपीज। तो नानू काका कितने का चेक साइन किए थे, 1000 रुपए का, ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर होगा। फिर है, द बार्क ऑफ जस्टिस इज डैश, द बार्क ऑफ जस्टिस इज बैंकक्रप्ट, ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35 में हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर डैश टुवर्ड्स वन अनदर। तो सिविलाइजेशन क्या सिखाती है, कि एक दूसरे के प्रति हम क्या है, फ्रेंडली रहे, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 36 की बात करें, एंटोन कैसवर बिगेन हिज कैरियर बाय राइटिंग। ठीक है, तो एंटोन कैसवर जो था वो उन्होंने क्या किया था, शॉर्ट स्टोरी से शुरुआत किया था। ठीक है, लेकिन शॉर्ट स्टोरी के बाद बात नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे हम कॉमिक स्केच के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3 के साथ हम जाएंगे। ठीक है, फिर है, बेंजी वॉज द सन ऑफ डैश। तो बेंजी किसका सन था, तो जोहानसन का सन था वो, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका है, गिवन इज एसोसिएटेड विथ डैश। तो गिवन्स जो एसोसिएटेड है,
ये किससे संबंधित है? इटली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका है पायर्स द प्लोमैन इज रिटन बाय, तो प्लावर्स सॉरी पायर्स एंड द प्लोमैन किसके लिए लिखा गया है? तो यह विलियम लैंगलैंड के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। फिर आपका है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज रिटन बाय, तो ये तो काफ़ी फेमस बुक है, कोई दिक्कत नहीं है, अरुंधति राय के साथ होगा ऑप्शन आंसर, ठीक है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखी है? अरुंधति राय ने लिखा है। ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट आंसर होगा। 41 की बात करें, द नेम अगस्टन वॉज गिवेन टू अर्ली डैश सेंचुरी, तो अगस्टन वॉज जो नाम दिया गया था वह 18th सेंचुरी में दिया गया था। ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। 42 है, द ईयर AD 1066 इज टेकन टू बी इंड ऑफ द डेट पीरियड, यह किसको लिया गया है, किसके इंड का पीरियड है? तो ओल्ड इंग्लिश का पीरियड इंड होता है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। 43 की बात करें, द पोएटेस्ट इन द ग्रैंड मदर्स हाउस बेक्स एट डैश डोर्स, ठीक है। तो कहाँ गई थी भीख मांगने के लिए? तो स्ट्रेंजर्स के डोर पे गई थी। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। 44 की बात करें, एंड गैदरिंग स्वेलो ट्विटर इन द स्काई इज टेकन फ्रॉम, तो यह जो सेंटेंस है कहाँ से लिया गया है? तो क्या है सेंटेंस आपका? एंड गैदरिंग स्वेलो ट्विटर इन द स्काई इज टेकन फ्रॉम, ओके। तो यह जो लिया गया है आपका ओल्ड सॉरी ऑटो ऑटोमन से लिया गया है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। फिर है द पोएट इन द पोएट इन द सोल्जर इज डिपेक्टिंग द मेजरीज ऑफ, तो इसमें किसकी व्यवस्था को दिखाया गया है इस सोल्जर कहानी में? तो यह वार के दिखाता है। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है मुंगोजेरी एंड गिडल बॉन आर ऑल्सो डैश, ठीक है। मुंगोजेरी एंड गिडल बॉन आर ऑल्सो डैश, ये क्या है? तो ये कैट की प्रजाति है। ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका है हॉपिंग टू चीज नॉट टिल डेथ इज लाइन फ्रॉम, तो हॉपिंग टू चीज नॉट टिल डेथ इज लाइन फ्रॉम कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। 48 की बात करें, मैक बीटी इज एन, क्या है? तो मैक बीटी इज एन आउटलॉ है। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। 49 है, अ सोनेट इज अ पोएम ऑफ डैश लाइन्स, ठीक है। द सोनेट इज अ पोएम ऑफ डैश लाइन, कितने लाइन का है ये? 14 लाइन का है। ऑप्शन नंबर पहला सॉरी सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका है एन एपिटाफ इज रिटन बाय, ठीक है। तो एन एपिटाफ इज रिटन बाय किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है वॉल्टर डी ला मोरे द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके 2018 के सारे ऑब्जेक्टिव, उम्मीद है आपने सारे प्रश्न कर लिए होगा, ठीक है। तो अच्छा लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और बन रही हमारे साथ, बाकी वीडियो भी आपको जल्द मिल जाएगा बाकी सालों का भी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को अंत तक देखने के लिए। दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। काफ़ी लोग बच्चे देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, अगर आपके काम आ रहा है इसका मतलब है कुछ तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए।